हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड हम लोग निकल रहे हैं राजगीर के लिए यहाँ से, और हमारे साथ में है केशव भैया और साथ में एक और बाइक है जिसपे सुजीत है और मुकुंद है। तो बाकी हम लोग अभी ना घर से निकले ही हैं जस्ट, एंड भाई क्या मस्त व्यूज़ आ रहा है, मतलब कितना मस्त हो रहा है। बाकी धूप बहुत ज़बरदस्त हो रहा है एंड पूरा जलन सा हो रहा है, मतलब इतना धूप ज़्यादा हो गया है, पता नहीं अब एकाएक ना बारिश के बाद धूप इतना ज़्यादा हो गया है। बाकी हम लोग अभी चलते हैं सीधे सीधे, एंड हम लोग को अभी डायरेक्ट जाना है सिमरिया, और सिमरिया से जाके ना हमको पटना वाला रूट लेना है और आगे जाके फिर बिहार शरीफ वाला। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से अभी फ़िलहाल। फाइनली ना हम लोग आ गए हैं सिमरिया पुल पे, और यहाँ पे ना ये जो है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का है और ये बहुत पुराना पुल है, तो इसके बदले में भी साइड में एक और पुल बन रहा है। देन यहाँ पे ना जाम वाम लगता रहता है क्योंकि अभी ना यहाँ पे चल रहा है कुछ काम इस पुल पे। तो फिलहाल हम लोग की बारी आएगी तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से। सिमरिया क्रॉस करने के बाद हम लोग पटना वाले रूट में घुस गए थे, एंड वहाँ से हम लोग को आगे जाके ना टर्न लेना है और बिहार शरीफ वाले रूट में घुस जाना है। तो फाइनली ना हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट एक जगह पे जहाँ पे ना हम लोग को रुकने का मन कर रहा था, एंड चलते हैं अभी और आगे। बाकी हम लोग ना रुक तो गए हैं लेकिन यहाँ धूप है तो कहीं अंदर चलते हैं। तो भाई साहब अभी फिलहाल ना यहाँ चल रहा है नाश्ता पानी, कुछ खाना वाना खा लेते हैं। बहुत देर गाड़ी हम लोग चला लिए थे, 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट, एंड देन अब देखो भाई क्या मस्त व्यू आ रहे हैं। ये सारे जितने भी साइड में जगह है ना ये सारे एग्रीकल्चर के बहुत सारे हैं, एंड देन बहुत सारे तो मज़ेदार भी। बाकी यहाँ से ऑलमोस्ट ना 50 से 60 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है राजगीर, एंड आप लोग पहाड़ देख सकते हैं सामने, जो कि पहाड़ थोड़ा थोड़ा जो पहाड़ होता है ना वो दिखने लगा है। और भाई गाड़ी क्या मस्त परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब दिल जीत लिया गाड़ी ने, बहुत बहुत मज़ा आया। और बहुत मज़े करते हुए हम लोग पहुँच गए हैं लगभग राजगीर के पास, एंड हम लोग जहाँ मेला है ना डायरेक्ट वहीं जाएंगे तो दिखाएंगे वहाँ जाके आप लोगों को। आगे चलते हैं हम लोग बहुत मज़े करते हुए, और उसका कसम से ना गाड़ी में अलग ही फील आ रहा था। बाकी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पीड ड्राइव नहीं किया था, एंड गाड़ी में तेल वेल का ज़रूरत नहीं पड़ा था क्योंकि ऑलरेडी तेल हमारे गाड़ी में पहले ही से ही था। अगर कम होगा तो फिर डलवा लेंगे, यहाँ तो पेट्रोल पम्प का दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वो वाला पहाड़ बिल्कुल भी नहीं है। और भैया फाइनली हम लोग आ गए हैं मलेमास मेला राजगीर में, एंड दिखाते हैं आप लोग को यहाँ का। बाकी हम लोग पार्क कर दिए अपना गाड़ी, एंड ये सुजीत लगा रहा है यहाँ पे हेलमेट, इसी के ऊपर गाड़ी के ऊपर ही तीनों हेलमेट लगा देंगे। 3 हेलमेट लेके आए थे, वैसे 4 का ज़रूरत पड़ता है लेकिन 3 यहाँ पे काम चल जाएगा, वैसे इनफ है। बाकी तो 2 ही पे काम चल जाएगा लेकिन 1 एक्स्ट्रा ले लिया था मतलब गलती से। तो फाइनली ना ये देखो आप लोग नज़ारे यहाँ के, एंड यहाँ से कुंड होता है स्टार्ट। यहाँ पे ना कुछ मुस्लिम के हैं लेकिन ये भी कुंड ही है एक तरह से, और हम लोग चलते हैं हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ का जो कुंड है ना वो बहुत धार्मिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला चीज़ है, या मैं क्या बोलूँ इसके लिए, मतलब कुछ ज़्यादा ही माना जाता है हिंदू धर्म में खास करके। और यहाँ पे नहाने के बाद ना बहुत पुण्य वुण्य मिलता है ऐसा कुछ बताया जाता है। बाकी मेला जो है ना उसमें भीड़ बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ ना अभी चल रहा है सावन का महीना, और सावन में सबको पता है कि हम लोग सब बोलबम जाते हैं, मतलब कि जितने भी हिंदू लोग हैं ना वो सब बोलबम जाते हैं भगवान महादेव के यहाँ, एंड वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आने पे ना अभी माना जाता है कि मलेमास के टाइम में ना यहाँ पे सारे देवी देवता जो है ना वो यहाँ आ जाते हैं, मतलब जितने भी सारे देवी देवता हैं वो यहाँ राजगीर में आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ से सब कुछ सामान वान खरीदते हैं और पूजा वूजा करते हैं। बाकी पहाड़ पे एक भगवान है उनको भी देखने जाएंगे हम लोग, एंड बहुत मज़ेदार लग रहा है। बाकी भीड़ बहुत ज़बरदस्त है तो आप लोग इन्जॉय करो थोड़ा सा। बाकी साथ में हमारे देख लो सुजीत केशव भैया और जो भी सारे लोग हैं ना वो सब हैं, एंड सब पूरे मस्ती में। देन बहुत मज़ा आ रहा है कसम से, मतलब लिटरली ना गर्मी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि राजगीर ना बहुत ज़्यादा गर्म जगह है, मतलब गया जो है ना वो पूरे बिहार में सबसे गर्म जगह है, एंड गर्मी इसके कारण और ज़्यादा है। और अभी ना अगस्त का टाइम चल रहा है तो बारिश अभी हो नहीं रही, मैंने बताया ना कि घर से ही मतलब धूप ज़बरदस्त हो रहा था। तो हम लोग अभी ना चलेंगे पहाड़ के ऊपर और देखेंगे कौन सा मंदिर है क्या है। वहाँ पर भी एक शिव का मंदिर है, एंड देन वहाँ पर बोध मतलब कुछ है वहाँ पर रखा हुआ भी है, उसको क्या बोलते हैं यार, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है भाई। तो ऊपर चलेंगे देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। बाकी आप लोग मज़े करो, और एंड रात में दिखाएंगे आप लोग को झूला कि कैसा झूला, क्योंकि दिन में उतना मस्त नहीं होता क्योंकि दिन में कौन धूप में झूलेगा झूला, तो हम लोग भी नहीं झूलेंगे। बाकी ये ना कुछ कुंड है जो देख सकते हो आप, नाम लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लो, मैं
पूरा एग्जैक्ट मुझे कुछ याद नहीं है, मतलब तो मुझे कुछ सही सही से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एंड देन आप लोग पढ़ लेना क्या जो भी था, जो भी क्यूंड था। बाकी ये जो सीढ़ी है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम लोग का ट्रैवलिंग। एंड पता नहीं कितना किलोमीटर है वो, हम लोग को ऑलमोस्ट कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि ये पहले टाइम यहाँ आ रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं। बाकी भाई भाई साहब ना यहाँ पे हालत ख़राब हो रहा है सीढ़ी पे चढ़ने में। एंड आप लोग मज़े करो, थोड़ा सा इन्जॉय लो नेचर का, एंड उसके बाद आगे मिलते हैं हम लोग को कि हमारा हाल क्या रहता है। कि आप लोग यहाँ से देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई, कसम से लिटरली ना जन्नत में पहुँच गया ऐसा लग रहा है। मतलब पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से एंड सूर्य ऊपर, भाई साहब कसम से। बाकी ये जो मंदिर है ना, इसको आप लोग ज़्यादा दिमाग में मत लेना क्योंकि ये हम लोग आधा भी नहीं आए हैं अभी, इसके बहुत ऊपर जाना है हम लोग को। हम लोग को ये पता नहीं था, नहीं तो हम लोग चढ़ते नहीं यहाँ पे, कहीं और जाते। एंड देन हम लोग को आइडिया भी नहीं है अभी तक कि मतलब हम लोग जा कहाँ रहे हैं, वो अभी तक मुझे खुद नहीं पता कि हम लोग जा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ पे। एंड चलते हैं, बहुत लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी चले जाएंगे उसके साथ साथ में, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। एंड देन आज रुकते हैं रात में या नहीं रुकते हैं वो कंफर्म नहीं है, देखेंगे रात में। एंड जाना होगा तो फिर वापस भी जा सकते हैं हम लोग। बाकी बहुत सारे लोग जा रहे थे, मतलब सब ना जल भर के ले जा रहे थे बाबा को चढ़ाने के लिए। बाकी आप लोग भी देखो नज़ारे एंड मज़े करो। सच्ची बताओ ना तो भाई हालत एकदम ख़राब हो गया है। एंड और क्या ही बोलूँ मैं, मतलब इतना ऊपर चढ़ आया हूँ फिर भी अभी और भी बहुत बाकी है। एक आदमी ने तो कहा कि अभी आधा भी नहीं आए हो आप लोग, भाई साहब लिटरली हालत ख़राब हो गया है ये बात सुन के। और जो चढ़ने में फट रही है ना, सबकी फट रही है, मेरे हमारी सिर्फ नहीं है, सबकी फट रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी हम लोग तो ऐसे हैं ना जिद्दी की, जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा है हाल। बाकी आप लोग आगे देख सकते हो, मतलब दिख गया अब मंदिर भाई साहब, हम लोग लिटरली अब आ गए मंदिर के पास में। और भाई ये रहा मंदिर, ये जो राइट साइड में जो मंदिर है ना वो है भगवान का मंदिर। एंड यहाँ पे संग्रहालय है जो कि कुछ सामानें रखी हुई है इसके अंदर, और इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं वो दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को। एंड आप लोग को ऊपर चलूँगा, इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्योंकि कुछ लोग दिख रहे हैं हम लोगों को, तो ऊपर चढ़ के दिखाऊँगा, कुछ व्यूज़ लूँगा एंड कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाऊँगा, और थटाक से फिर नीचे जाऊँगा और नीचे मेला का इन्जॉय करूँगा क्योंकि मेला घूमने आया हूँ ना, मतलब वो गया आया हूँ, राजगीर आया हूँ हम लोग, राजगीर आए हूँ हम लोग, लेकिन हम लोग आए हैं सिर्फ मेला देखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। एंड आप लोग को संग्रहालय का ना 10 रुपये का टिकट लगेगा जो कि आप लोग अंदर जाके देख सकते हो। मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे चलने का मन ही नहीं कर रहा, इतना हालत ख़राब हो गया है। बाकी आप लोग व्यू इन्जॉय करो। काफ़ी देर के बाद ना हम लोग वहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट किया, और नीचे उतरने में भाई बहुत स्पीड में नीचे उतर रहे थे, बाकी पैर काम नहीं कर रहा था क्योंकि ऊपर चढ़ने में हालत जो ख़राब हुआ तो क्या ही बताओ। बाकी रात में आप लोग देख लो क्या लग रहा है, मतलब मेला और साथ में ये पूरा शहर, मेला का सारा झूला, वो जितना भी लाइटिंग वाइटिंग है ना सब दिख रहा है। एंड ऑलमोस्ट हम लोग नीचे आ गए हैं। एंड अभी ना पानी प्यास लगा हुआ जरूरत, क्योंकि पानी ऊपर नहीं मिल रहा था इतना रात में, तो ऑलमोस्ट ना 7:30-8 बजने वाले हैं। और बाकी हम लोग पानी वानी पीते हैं और कुछ खाते पीते हैं यहाँ से और निकलते हैं यहाँ से। बाकी देख लो केशव भैया कहाँ हवा खा रहे हैं, और भाई ये देख लो कुछ पुलिस भी है यहाँ पे। एंड आप लोग को अनाउंसमेंट वनाउंसमेंट करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं क्योंकि कोई खो हो गया है तो आपको मिल जाएगा, वो सारा चीज़ यहाँ पर व्यवस्था है। और हम लोग को अभी तो पहले झूला झूलना है, तो चलेंगे झूला झूलेंगे पहले कुछ, उसके बाद कुछ खाएँगे। एंड देन मज़ा नहीं आ रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि निकल भी जाएंगे, बाकी देखेंगे अगर रूम मिलता है तो रूम लेके रुक भी सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकता है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा ये सब इन्जॉय करो, मज़े करो। एंड केशव भैया देख रहे हो कितना आगे आगे निकल रहे हैं। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे ना नेट का प्रॉब्लम है, कभी कभी नेट चलता है कभी कभी नहीं चलता है, कुछ भी दिक्कत होते रहता है, तो आप लोग कैश कैरी करके लाना थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ने भी कैश नहीं लाया था। बाकी ये जो रथ दिख रहा है ना, मतलब घोड़ा वाला जो दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा अक्सर, मतलब कि आप इससे भी अंदर तक आ सकते हैं, मतलब बाहर से अंदर तक छोड़ देगा, मेला के अंदर तक आपको। बाकी आप लोग अभी इंजॉय करने वाले हो बहुत मज़ेदार चीज़ जो कि है झूला। और भाई
लिटरली एक झूले पे ना हम लोग 2 घंटे खड़े रहे, लेकिन फिर भी झूला झूल नहीं पाया उसमें, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था ना। आप लोग इन्जॉय करो बस। बाकी झूला झूलने के बाद ना माइंड पूरा अशांत हो गया था, एंड यहाँ पे किसी ने दारू पी के ना कुछ हंगामा कर रहा था। तो हम लोग वहाँ से सोचे कि हम लोग निकल ही जाते हैं, अब कुछ बचा हुआ नहीं है मेला में, क्योंकि कल का मैंने सोचा था कि मुझे, क्योंकि कल परसों में ना मुझे दिल्ली निकलना है वापस, तो निकल जाना यहाँ से सही रहेगा। तो केशव भैया अभी गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग हम पीछे बैठे हुए हैं, एंड उधर से मुकुंद चला रहा है, क्योंकि उधर से चला के हम ही आए थे पूरा का पूरा, एंड इधर से चला के उधर से सुजीत आया था, तो इधर से हम चला के आए। एंड देन भाई बहुत मज़ा आया, मतलब हालत तो ख़राब हुई, मतलब लिटरली हालत बहुत ख़राब हुई, लेकिन मज़ा बहुत आया। आप लोग बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सच्ची में मतलब कर देना भाई। एंड देन अभी हम लोग घर पहुँचते हैं तो बताते हैं आप लोग को, लेकिन कुछ देर के बाद चलाना स्टार्ट हम ही करेंगे, क्योंकि केशव भैया का तो हाथ दुखने वाला है इसमें कुछ ही देर में, क्योंकि ये नहीं है, मतलब ये गाड़ी उतनी कंफर्टेबल नहीं है चला लें राइट। एंड देन लास्ट में ना चलाया इन्होंने लगभग ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के आसपास चलाया, एंड ये ब्रिज, ये जो ओवर ब्रिज है ना, इसको क्रॉस करने के बाद उन्होंने हमें दे दिया गाड़ी थोड़ा सा आगे जाने के बाद, उसके बाद हमने स्टार्ट किया वहाँ से गाड़ी और खींचते हुए निकल गए घर तक। बाकी घर हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए थे 12-1 बजे के करीब, चले थे हम लोग 9, 9:30 या 10 बजे के आसपास, एंड 3-4 घंटे में हम लोग पहुंच गए थे। और उसके बाद भाई जो सोए हैं ना, कसम से मतलब मज़ा आ गया। बाकी आप लोग गाड़ी देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग ना चाय पीने के लिए रुक गए थे 0 माइल में, एंड उसके बाद हमारे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, तो हम लोग ने पेट्रोल डलवाया, 1000 रुपये का पेट्रोल पूरा फुल हो गया टंकी, मतलब गाड़ी में ना बहुत कम पेट्रोल लगता है, मतलब 10 लीटर ही पेट्रोल आती है ऑलमोस्ट, तो 1000 रुपये भाई इनफ है गाड़ी के पेट्रोल के लिए। एंड उसके बाद आराम से 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर आराम से दबा के चलाओ, फिर उसके बाद डलवाओ, तो गाड़ी ना अच्छा माइलेज दे रही है, अच्छा सब कुछ, मतलब मज़ा आ रहा है गाड़ी में। ना किसी चीज़ से मुझे ये नहीं लगा कि ये गाड़ी चलाने लायक नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो डालूंगा रिव्यू के साथ, ऑलमोस्ट जब मैं 5000 किलोमीटर कवर कर लूँगा ना तो मैं डालूँगा आप लोग को। एंड देन आप लोग को तब तक ना मैं जो ये वीडियो जब तक आएगी ना तब तक हम ऑलमोस्ट ना दिल्ली पहुँचे हुए रहेंगे, एंड उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि गाड़ी क्या क्या हम लोग को क्या करवाई। एंड देन करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी सबको यहीं पे सो रहा है, एंड अमित भी आ गया था क्योंकि गेट खुलवाया था उसी से। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय, लव यू गाइज, एंड बाय बाय।